नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को राहत नहीं दी। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई के पेच में फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अनेक फैसले हैं कि स्पीकर को फैसले लेने से कोर्ट नहीं रोक सकता है। इसके बाद भी राजस्थान के मामले में ये पूरा लंबा खिंचता चला जा रहा है। यही नहीं, अब मामला दूसरी जगह शिफ्ट कर गया है। राजस्थान के राजभवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने डेरा डाल दिया है। वे गहलोत के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा था, मगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि नियम से फैसला लेंगे, कानूनी सलाह ले रहे हैं। कोर्ट का फैसला साफ है, सुप्रीम कोर्ट का, कि एक बार कैबिनेट निर्णय ले ले कि सत्र बुलाना है तो राज्यपाल को सत्र बुलाना पड़ता है। राजभवन का घेराव कर बीजेपी कह रही है कि गहलोत सरकार अराजकता फैला रही है। कांग्रेस लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है विधानसभा सत्र बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सुबह भी आपको कहा था, इसमें समझ के परे है कि इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं असेंबली फ्लोर पे जाना चाहते हैं, और विपक्ष कह रहा है हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये समझ के परे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने बकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। मैंने रिक्वेस्ट की माननीय राज्यपाल महोदय से, उसके बाद में सत्र नहीं बुलाना, ये समझ के परे है। आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो आपने किया। और जिस प्रकार की नारेबाजी हुई है, जिस प्रकार का ये कहा है कि हम तब उठेंगे जब राज्यपाल ये घोषणा करेंगे, राज्यपाल को आप अपने कैबिनेट का जो मंशा है वो कागज तो आप दे सकते हो, राज्यपाल कब बुलाएंगे वो अपने विधि वाले से बातचीत करने के बाद जैसा उचित समझेंगे वो देंगे। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहाँ पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमा में पद का सम्मान बना रहे। देखा कि केंद्रीय पुलिस बल के तैनाती की मांग बीजेपी कर रही है। परंपराएं हर तरफ से टूट रही हैं। स्पीकर के बारे में हर तरह के आदेश और फैसले साफ हैं कि वो जब फैसले ले रहे हैं स्पीकर, तो फैसले लेने की प्रक्रिया के बीच में आप नहीं रोक सकते हैं। अनेक बार हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। यह भी ठीक नहीं है कि राजभवन को घेरा जाए, लेकिन यह ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार का मंत्रिमंडल अगर यह फैसला ले ले कि इस तारीख को सत्र बुलाना है तो राज्यपाल उस तारीख को सत्र बुलाते हैं। इसलिए कटारिया साहब एक बात ठीक कह रहे हैं कि राजभवन का घेराव नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात क्या वो ठीक कह रहे हैं कि राज्यपाल को अपना फैसला करना चाहिए। सदन का बुलाना सरकार का फैसला होता है, सरकार तारीखें तय करती हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला हैं राजभवन से जयपुर में। सौरभ, बताइए कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और ये कब तक नारेबाजी वहां पर चलती रहेगी। जी बिल्कुल रवि सर, इस वक्त जब हमारा बात कर रहे हैं तो जो सारे विधायक हैं 100 से 100 लगभग बताया जा रहा है हमें, जो अशोक गहलोत के साथ लगभग 2:20 पर पहुंचे थे 4 बसों में, वो अंदर हैं और गहलोत साहब भी वहां बैठे हुए। इस समय उनको चाय दी गई है और चाय पी रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो वहां से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा है कि जो स्पीकर के नोटिस का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए जो आपका प्रपोजल है उसको वो उसके उस पर वो ओपिनियन ले रहे हैं और वो लीगल पॉइंट्स है कुछ उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं और वो तुरंत हाँ नहीं करेंगे।
यही वजह है कि पिछले 3.5 घंटे से सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। नारेबाजी फिलहाल अशोक गहलोत साहब ने बंद करवा दी है, उन्होंने कहा नारे नहीं लगाइए, राजभवन है। लगातार काफी करीबन 1 घंटे तक नारे लगते रहे, और उससे पहले अगर बताएं रवि जी, कल शाम को 7:15 बजे इन्होंने कैबिनेट ने प्रपोजल पास किया, और उसके बाद लेटर कल शाम को 7:15 बजे अशोक गहलोत ने कलराज मिश्रा को आकर के दे दिया। उन्होंने कहा कि वो मंडे को असेंबली बुलाना चाहते हैं। सुबह तक कोई जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद उन्होंने वापस फोन पर बात की, और फोन पर बात करने के बाद कहा कि वो सोमवार को बुलाना चाहते हैं सत्र, फिर भी उन्होंने हाँ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मिलने का समय मांगा और कलराज मिश्रा ने उनको यहाँ पर बुला लिया। रवि सर, हमारी कलराज मिश्रा से भी फोन पर बात हुई थी, उनसे हमने पूछा कि अब तो ये कह रहे हैं कि आप केंद्र के दबाव पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सारे नियमों के अनुसार चल रहा हूँ। तो हमने उनसे बोला कि नियम तो ये कहता है, हर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप अगर चुनी हुई सरकार कैबिनेट पास करके असेंबली बुलाना चाहती है तो आपको हाँ करना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नियम कानून के मुताबिक चलूंगा और मैं किसी से मिलने में गुरेज नहीं करता हूँ। 3.5 घंटे हो गए हैं रवि सर, अभी तक उनकी तरफ से कोई हाँ ना ही हाँ और ना ही ना की गई, और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक गवर्नर साहब स्थिति क्लियर नहीं करेंगे वो नहीं जाएंगे। कोई तारीख बता दें, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार। इसके अलावा कांग्रेस ने सर अभी निर्णय लिया है कि कल वो सड़क पर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, कल सारे जिला मुख्यालयों पर उनके कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ, जो लोकतंत्र का पर के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है बीजेपी, ऐसा इनका कहना है, वो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये लंबी लड़ाई तो कोर्ट से चली रही है सर, अब ये राजभवन में भी 3.5 घंटे हो गए, उनका कहना है कि रात हो जाए सुबह हो जाए वो यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको असेंबली सेशन चाहिए और उनका अधिकार है, चुनी हुई सरकार है। हमारे साथ आशीष भार्गव है। आशीष, मध्य प्रदेश के मामले में आपको याद होगा जब स्पीकर आनाकानी कर रहे थे, समय ले रहे थे और कोविड का बहाना बना रहे थे, तब उन्हें कहा गया कि आप सदन बुलाएं, और यहाँ कोविड के बहाने से ही, चाहे वो जाहिर या गुप्त रूप से हो, कहा जा रहा हो या नहीं कहा जा रहा हो, सदन को बुलाने के लिए टाला जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में, हम हाईकोर्ट के फैसले पर भी आएंगे, लेकिन पहले चूंकि मामला यहाँ अड़ा हुआ है तो जानना चाहते हैं कि अब राज्यपाल के पास किस प्रकार के अधिकार रह जाते हैं। एक बार जब अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने ये तय कर दे दिया है, सिफारिश कर दी है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए रवीश, आप जो कानून है, जो संविधान है, और उसके बाद जो उसकी व्याख्या लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में की है, और उसमें रिसेंट मामला 2016 का है, नवम रेबिया का, जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जिसमें स्पीकर ने प्रीपोन कर दिया था सदन को और खुद ही एक एजेंडा भी दे दिया था स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का, कि उनको हटाने का, तो वो पूरा यहाँ आया था। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति शासन अरुणाचल में 2016 में लगा दिया गया था, कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था। तो एक बड़ा जजमेंट 2016 में आया था संविधान पीठ का, 5 जजों का सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सीधे सीधे तौर पर यह कहा था कि ये पूरा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया जा सकता जब तक कि कैबिनेट की एड और एडवाइज नहीं होगी। राज्यपाल ना कोई सदन बुला सकते हैं और ना ही किसी सदन को डिसोल्व कर सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला था, यानी राज्यपाल के पास कोई चारा नहीं बचता है कि अगर कैबिनेट सरकार जो है, कैबिनेट जो है, मंत्रिमंडल, वो सदन बुलाना चाहता है तो राज्यपाल को जब सिफारिश करेगा तो राज्यपाल किसी भी तरह से उसे इंकार नहीं कर सकते। ये सेटल्ड लॉ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और उस मामले में पूरा फैसला बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कांग्रेस की सरकार को दोबारा से वहां पर नियुक्त कर दिया था, राष्ट्रपति शासन को हटा दिया था। एक ऐतिहासिक फैसला वो था। लेकिन यहां पर रवीश, हम देखें तो इस तरीके से अब हम कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास कोई चारा नहीं है। ये सही बात है कि अभी तक के सेटल लॉ में राज्यपाल के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात लगातार बदल रहे हैं उसमें कोई भी एक्सपर्ट आपको 100% श्योर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये होता आया था 1992 के किहोतो होलोवल के फैसले के बाद, कभी भी स्पीकर के नोटिस को किसी भी अदालत ने ना इंटरफेयर किया, ना उस पर स्टे लगाया, ना स्पीकर को कहा कि आप इस पर कार्रवाई ना करें, लेकिन वो इस बार वो भी हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि ये मामला जो है कहीं वहां से निकलकर, स्पीकर के अधिकार से निकलकर डिफेक्शन वर्सेस डिसेंट हो गया है, यानी दल बदल बनाम बोलने की आजादी, असहमति का अधिकार। तो काफी दूसरे मुद्दे ट्रक पर जब चीजें चली जाती हैं तो कानून में अगर आप बारीकी में जाएंगे तो एक कानून से दूसरा कानून, दूसरे कानून से तीसरा कानून निकलेगा। जी क्या ये आशीष, ये मामला है कि इसको बहस में उलझने दिया जाए ताकि समय मिल जाए? मध्य प्रदेश के मामले में या कर्नाटक के मामले में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं,
उनसे यही लगता है कि अगर आप स्पीकर को बहुत ज़्यादा समय देंगे तो आप उसमें मध्य प्रदेश के ही मामले में कि तो दल बदल ज़्यादा होने लगेगी, घोड़ा मंडी बन जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो विधायक डिफेक्ट करके गए हैं, स्पीकर को रोक कर उन्हें ज़्यादा समय दिया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर घोड़ा मंडी की हालात पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या ये मामला आप आशीष इस तरह से देख रहे हैं कि अदालती बहसों में, मुबाहिसों में जाकर फंस गया है, बहस मुबाहिसों में? ये बिल्कुल मैं ऐसा ही देख रहा हूं, और मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि संविधान को की व्याख्या करे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के 1992 के फैसले को फिर से विचार करे। कैसे हो सकता है? ये हाईकोर्ट का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ बहुत बड़ी पीठ है, वो संविधान पीठ है। उसका एक बार उसने जो व्याख्या कर दिया वो देश में कानून बन जाता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसको सिर्फ उस आदेश को हटाने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए कम से कम 7 जजों की पीठ चाहिए, तो एक बहुत बड़ा मसला है ये। मुझे लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, और हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह गलत ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि ये कानूनी दांव पेच है, और कानूनी दांव पेचों में सब जानते हैं कि एक बार जो उलझ जाए तो काफी वक्त लगता है। और शायद यही वजह है कि इस मामले को जो सचिन पायलट का जो ग्रुप है, खासतौर पर हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी साहब बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने एक ऐसे ट्रैक पर डाल दिया जहां पर कांग्रेस भी ट्रैप हो गई, और ये मुद्दा जो है कानूनी मदद मिलने की बजाय अदालतों से कानूनी पचड़े में फंस गया है। जी जी, अब हमारे साथ सौरभ भी हैं। सौरभ, बता सकते हैं कि सचिन पायलट के खेमे से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो क्या वो अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कोर्ट में उनका मामला चलता रहे और एक तरह से अनुशासनहीनता का मामला ना बने? आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद पायलट खेमे से कोई सूचना आई है? जी बिल्कुल, आज के फैसले के बाद कुछ शेरो शायरी करी विश्वेंद्र सिंह ने, जो कि निष्कासित मंत्री हैं और उनको कांग्रेस से सदस्यता से भी निष्कासित किया है ऑडियो टेप्स आने के बाद। उसके अलावा जो सूत्रों से जानकारी आई है उनकी तरह से, वो यही आई है कि उन्होंने केंद्र को पार्टी बनाने के लिए कहा था, और ऐसा चूंकि डॉक्टर महेश जोशी जो कि चीफ व्हिप हैं उन्होंने भी मेंशन किया था, इसलिए उन्होंने ये याचिका लगाई थी जिसको हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। रवि सर, इसीलिए स्टेटस को बना करके रखा है क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जैसा कि अभी आशीष सर बता रहे थे कि लंबा मामला चलेगा, तमाम कानूनी दांव पेच है। इसके अलावा अभी 3 बाइट्स आई हैं, वीडियो बाइट्स आई हैं, वीडियो इंटरव्यू आए हैं 3 विधायकों की। सुरेश मोदी हैं उनमें से एक, और उनका कहना है कि वो दिल्ली में हैं और वो कहीं नहीं छुपे हैं, ना ही कहीं भाग रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने लगातार यही कहा है कि बीजेपी ने उनको छुपा करके रखा है और वो आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ बाउंसर लगे हैं और उनको वहाँ से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। उसका जवाब देते हुए कुछ वीडियोज़ आए हैं उन विधायकों की, जिसमें एक योगा कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं गार्डन में। उनका कहना है कि उनको किसी ने अगवा करके नहीं रखा है, वो जहाँ पर भी हैं अपनी मर्जी से हैं, और उनका ये कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अगर यहाँ पर बताएं आपको सर, हमारे 2 विधायकों से बात हुई जो अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल प्लान साफ है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद चीफ व्हिप वापस से नोटिस इशू करेंगे, नोटिस इशू करने के बाद उनको आना पड़ेगा, क्योंकि इनकी असेंबली में दलील ही ये थी कि वो दल बदल नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उनकी बस पार्टी के अंदर मतभेद हैं, और इसका उन्होंने पार्टी के अंदर ही इस पर आवाज़ उठाई, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो अगर अब, और दूसरा इनका ये लीगल दांव था कि असेंबली फंक्शन में नहीं है, जब असेंबली फंक्शन में नहीं होती है तो दल बदल का कानून नहीं लगता है और व्हिप भी लागू नहीं होता है, पार्टी की इंटरनल मीटिंग में थी, रिजॉर्ट में थी, लेकिन अब असेंबली से अगर व्हिप जारी हुआ वो नहीं आएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यही वजह है। और तो दूसरी तरफ रवि जी, एक और बहुत कानूनी पहलू है, और पुलिस SOG जो है यहाँ की राजस्थान पुलिस की, वो लगातार 2 विधायकों को ढूंढ रही है उनके वॉइस सैंपल लेने के लिए। तमाम दबिशें चल रही हैं मानेसर से लेकर दिल्ली तक, लेकिन वो अब तक खाली हाथ है। यहाँ के DGP राजस्थान के, रवि सर, लेटर भी लिख चुके हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को और हरियाणा के DGP को कि आप हमें सहयोग करिए, इन विधायकों का रोल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। तो उस पर अब तक लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल पाई है, ना ही वो भंवरलाल शर्मा जिनकी आवाज़ इनके खिलाफ FIR हुई है, राजद्रोह तक का धारा है, उनको नहीं पकड़ा जा सका है, ना ही उनसे पूछताछ की जा सकी है। तो वो भी एक कानूनी पहलू है, क्योंकि ACB सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है, तो उनसे भी पूछताछ करनी है। तो ऐसा नहीं कि सचिन पायलट के लिए सर आसान है, लेकिन हाँ, उनको एक कुशन जरूर मिल गया है
और लगातार उनके विधायक वीडियो बाइट बना के हम लोगों को भेज रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से हैं जहां पर भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और आशीष। जिस तरह से ये दांव है, सचिन पायलट कांग्रेस में अब नहीं है और वो सिर्फ एक कानूनी दांवपेच के तहत कह रहे हैं कि बीजेपी में ना जाएं ताकि वो स्पष्ट ना हो जाए, क्योंकि जो अयोग्यता मानी जाती है वो एक कि जब विधानसभा की बैठक हो रही हो या सत्र हो और व्हिप का आपने उल्लंघन किया, लेकिन उसके पहले एक और चीज कही जाती है कि अगर आपका आचरण पार्टी के खिलाफ है तो आप अयोग्य माने जा सकते हैं। अभी सचिन पायलट जो भी कर रहे हैं वो उनकी पार्टी के खिलाफ का आचरण है, लेकिन वो उससे कमजोर करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं वो बीजेपी में नहीं गए हैं। तो एक बात ये है, मध्य प्रदेश में जब कोविड का मामला चल रहा था, देश तबाही की तरफ बढ़ रहा था, तब वहां पर एक सरकार बन रही थी और उसी के बहाने सत्र ना बुलाने की जब बात कही गई थी, तब कोर्ट ने कहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द असेंबली प्रोरोग्स एंड द गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी देन द गवर्नर कैन कॉल द असेंबली। अगर विधानसभा लंबित है, सरकार का बहुमत चला गया है, तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। यहां सरकार कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाइए, राज्यपाल समय ले रहे हैं, जबकि स्पष्ट है, सेटल्ड लॉ है कि राज्यपाल को बुलाना ही पड़ेगा। ये अब तक का सेटल्ड लॉ है, अब आगे जो भी हो। तो ये एक स्थिति बन रही है कि दलीलों में ही एक सरकार, जिस वक्त कोविड को लेकर लड़नी चाहिए थी सबको, वो अपने अपने खेमे और कानूनी दलीलों में एक दूसरे को उलझाए हैं। इधर बैंक का लोन लेकर भाग जाने वाले, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाला हो चाहे चाय बेचने वाला हो, दोनों को बहुत राहत है। बैंक वालों को समझ में नहीं आता कि एक इतना बड़ा आदमी है क्या करें, और इस मामले में भी समझ में नहीं आता कि इनसे, इस हुजूर से 51 करोड़ रुपया कैसे वसूलें। देनदार मेरे को दुकान पे परेशान करते हैं कि मेरा काम करने ही मुश्किल हो रहा है। टोटल 50,76,00,000 रुपए का लोन दिखाया गया उस लोन, अलग अलग डेट में, अलग अलग डेट में। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बिहार सरकार के जो कर्मचारी 50 साल के हो चुके हैं उन्हें अब रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिहार सरकार ने एक आदेश पत्र निकाला है जिसमें लिखा है, पुराना ही अपने आदेश का, नियमों का, कि बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तथा उसकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो या लोक हित में हो, उनके कार्यकाल की समीक्षा होगी। और इस फैसले में यह भी लिखा है कि आगे जो मैं पढ़ रहा हूं, नियम के अनुसार, इसमें नियमों का हवाला दिया गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 74(क) में दिया गया है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक को जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हों, सेवानिवृत्ति करा सकती है। यही वह समझे, यदि वह समझे कि उसकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो। बिहार के सरकारी कर्मचारी काफी घबराए हुए।
राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वैसे सरकारी सेवक जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं, शिथिलता बरतते हैं, समीक्षोपरांत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाने का प्रावधान है। सिविल सर्विसेज के जो सेवा शर्त है उसमें भी यह प्रावधान है। साथ ही साथ राज्य सरकार के वैसे कर्मी जो ऐसे मामले में चिन्हित किए जाते हैं, सेवा काल के तहत जो देय सुविधाएं हैं, जो उनके अर्जित अवकाश हो, ग्रेच्युटी हो अथवा पेंशन की राशि हो, वह राज्य सरकार के द्वारा देय है। यह स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के अधिकार प्राप्त समीक्षोपरांत यह विधि सम्मत है। अचानक इस नियम की याद क्यों आ रही है? ऐसे नियमों का जिक्र सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों में हो चुका है, पहले मध्य प्रदेश और ओडिशा में, अब उत्तराखंड में। अचानक से 50 पार के कर्मचारी अक्षम क्यों लगने लगे हैं? क्या 50 साल से कम के कर्मचारी लोक हित में ज्यादा सक्षमता से काम करते हैं? इस सर्कुलर ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं। यह फैसला ठीक उसी तरह का है जैसे एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि उनके काम की समीक्षा होगी और यदि सही नहीं पाई जाएगी तो 5 साल के लिए बिना सैलरी के लीव पर भेजा जाएगा, हम नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। वाह रे नियम, किस तरह का नियम! क्या यह निकालना नहीं है? क्या सरकारें अब अपने कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में नहीं है जिसके कारण 50 साल के कर्मचारियों की सूची बना रही हैं? या फिर इस अभियान का मकसद है कि उन पर दबाव बनाया जाए कि इस हालात में चुपचाप काम करें, उनकी ग्रेच्युटी काट ली जाए या फिर और तरह की चीज़ें काट ली जाएँ, वो चुप रहें। हमारे साथ मनीष हैं। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं, ये सिर्फ डराने के लिए है? लेकिन कमाल है, चुनाव के समय देखिए रेलवे में नौकरियों को रोक दिया गया 1 साल के लिए, ये कहा जा रहा है कि अब नौकरियां निकाली जाएंगी 50 साल से जिनकी समीक्षा होगी। इस तरह से आत्मविश्वास बहुत कम सरकारों में होती है, तो ज़रूर सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए होंगे जो इन कर्मचारियों को निकालने के बाद इनसे समर्थन की भी उम्मीद रखती है। मनीष, अगर सरकार ने अच्छा काम किया होता तो हर दिन कोरोना से संबंधित बिहार से केवल वीडियो वायरल नहीं होते या शायद तटबंध अभी भी 70 साल के बाद नहीं टूटते। जहां तक इस आदेश का सवाल है रवीश, तो निश्चित रूप से चुनावी साल में कोई भी सरकार इस आदेश को तो पारित कर सकती है लेकिन इस आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। और आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में इस आदेश के ऊपर सफाई भी जरूर आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो पत्र जारी किया गया है, ये एक ऐसी सच्चाई को भी एक तरह से एक्नॉलेज करता है कि सरकारों के पास अब वित्तीय साधन जो हैं काफ़ी सिकुड़ते जा रहे हैं, उनकी आमदनी कम होती जा रही है। वैसे में उन्हें कहीं ना कहीं अपने आय के हिसाब से लोगों को सरकारी नौकरियों में रखना होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कर्ज लेने की भी सरकार में अब एक सीमा होती है और इसी के लिए यह आदेश पारित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक बिहार में चुनावी मौसम है, जब तक चुनाव रहेगा, तब तक शायद इस आदेश के आधार पर किसी भी एक व्यक्ति को रिटायर नहीं किया जाएगा, किसी को VRS नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बिहार सरकार की अब आर्थिक हालत जो है वो जैसे जैसे ये कोरोना काल बढ़ेगी वो और खस्ता होगी। दूसरा पक्ष इसका यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना काल में हर सरकारों को या हर ऑफिस के लोगों को लगा कि उनके पास जितना वर्कफोर्स है उसकी शायद उतनी जरूरत नहीं है, उसी के मद्देनजर ऐसे आदेश के आधार पर लोगों की छटाई की एक तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है। रवीश जी, मनीष, ये तो कमाल की बात है कि नौजवानों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो दरवाज़ा बंद है। जो काम कर रहे हैं, 50 साल तो कोई ख़ास उम्र होती नहीं है सरकारी कर्मचारियों की, और उन्होंने अगर कोई उनमें कार्य क्षमता नहीं है तो इतने साल तक उनको पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। अब कौन निकाला जाएगा कौन नहीं, ये चिंता की बात तो है ही। बिहार बाढ़ की भी चिंता कर रहा है और वहाँ की स्थिति, बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार के मंत्री संजय झा ने ट्वीट किया है कि अगले 48 घंटे में गंडक बेसिन में भारी वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटों में बागमती, कोसी, कमला बेसिन में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हुई है। मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड में भवानीपुर के पास निहालू टोला में तटबंध टूटने की खबर आई है रात को।
गंडक का पानी बढ़ने के कारण तटबंध टूटा है। 30 फीट की चौड़ाई वाला बांध टूटने से बांध में 30 फीट की चौड़ाई की दरार आई है, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। गाँव में स्टेट हाईवे भी बाढ़ के पानी में पर बाढ़ का पानी आ गया है। इस बांध के टूटने से दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। अधिकारी और आपदा बल की तलाश कर रहे हैं, वो कहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। गोपालगंज के सारण मुख्य तटबंध दो जगह, सारण में मुख्य जो तटबंध है दो जगह, माझा प्रखंड के पुरैना और बरौली प्रखंड के देवापुर गांव के समीप टूट गया है, जिसके कारण वहां स्थिति भयावह हो गई। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं, बल्कि लगातार पानी तेजी से नए नए गाँवों में प्रवेश कर रहा है। गाँवों से लोग सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर पर पानी का ओवरफ्लो होने की संभावना, आशंका प्रबल होती जा रही है। हालांकि इस पथ पर ज़्यादा पुलिया होने के कारण तेजी से पानी बह रहा है। आवागमन प्रभावित होने की संभावना बढ़ती जा रही है। देवापुर और पुरैना तटबंध के टूटने से बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के अधिकांश गाँवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। स्थिति भयावह होती जा रही है। बिहार इस वक्त वाकई चप्पे चप्पे में, इसका बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और कई जगहों से लोगों की संपत्तियां, जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। लोग अपना अपने अपने गांवों के वीडियो बनाकर हम तक भेज रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि हमारे दिखाने से क्या वहां बांध बन जाएगा, क्या वहां पर अधिकारियों का दल पहुंच जाएगा। ऐसा हम बहुत कम सुन पा रहे हैं कि हमारे दिखाने के बाद तुरंत अधिकारियों का दल बल पहुंच गया हो, लोगों की मदद में लग गया हो। ये हमारी असफलता है, जो कि बहुत अच्छी असफलता है। ये लोगों के लिए तकलीफ की बात होनी चाहिए। हम तो फिर दूसरी असफलता की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल से ये आया वीडियो, देखिए कि किस तरह से चितवन जगह पर वहाँ पर बाढ़ अपना प्रलय दिखा रहा है। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। तो आपने देखा, बहुत जरूरी है कि मोबाइल फोन किस तरह से पकड़ें और किस तरह से वीडियो बनाएं। लेकिन रवीश रंजन जो हैं वो लगातार विक्रम जोशी, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या की खबर को फॉलो कर रहे हैं। अब पुलिस की जांच से पता चला है कि पुलिस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो विक्रम जोशी की जान नहीं जाती, वो अपराधियों को पहले पकड़ सकती थी। यही नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांग की है, फिर से दोहराई है कि पत्रकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। पत्रकारों ने भी प्रदर्शन किया है। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर कर रहा है। शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे प्रेस काउंसिल के सदस्य अशोक नवरत ने चिंता जताते कहा कि पत्रकार की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है और इस बाबत केंद्र सरकार से बात की जाएगी। जो भी सहायता आप चाहे, हालांकि वो मेरा भी छोटा भाई है, मैं भी तो पत्रकार हूँ, अखबार वाला बात हूँ, पहले पत्रकार हूँ, पहले मैंने क्राइम रिपोर्टिंग से पोस्टमार्टम पे और पुलिस ने ही बीट, वही बीट संभाली थी। उधर विक्रम जोशी की मौत की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विजयनगर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है।
पत्रकार की हत्या के मामले में अब तक 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले हुए एक हत्याकांड में पर्यवेक्षण की कमी के चलते थानाध्यक्ष विजयनगर को निलंबित किया गया। वहीं जो सिहानी गेट में हुई आपराधिक घटनाएं जिसमें लूट, छिनैती और अपहरण तक की घटना शामिल थी, उसके लिए उसको वहां से लाइन हाजिर किया गया है। विक्रम जोशी की हत्या के बाद अब पुलिस प्रशासन से लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक सक्रिय हुई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले तमाम पत्रकारों के लिए कोई ठोस आर्थिक और कानूनी ढांचा तक नहीं है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजनीति की संक्षिप्त खबरें। बाबरी मस्जिद वाले मामले में लाल कृष्ण आडवाणी ने आज एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने वीडियो लिंक के जरिए तकरीबन 4.5 घंटे तक अपना बयान दर्ज करवाया। कहा जा रहा है कि उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। 92 साल के आडवाणी इस मामले में एक आरोपी हैं। अदालत बाबरी मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। गुरुवार को बीजेपी के एक और बुजुर्ग नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज करवाया था। मंगलवार और बुधवार को भी 2 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे। कोरोना के संकट के बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को चीन के मुद्दे पर फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं कोविड-19 और अर्थव्यवस्था के बारे में सचेत करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी चेतावनी को नहीं सुना। नतीजा, देश पर आपदा। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि मैं चीन के बारे में भी बार बार सचेत कर रहा हूं, वो अब भी नहीं सुन रहे। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने राज्य में जल्द से जल्द चुनाव करवाने और 4G इंटरनेट बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाए करीब 1 साल हो चुका है। वो उस दिन को राज्य का दर्जा छीनने का दिन मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को फिर से राज्य के दर्जे का पूरा यकीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए काम करेंगे। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग का यह कथन है। मतलब ये हुआ कि नाइंसाफी कहीं भी हो, वो इंसाफ के लिए, हर जगह के इंसाफ के लिए खतरा है। यह बात अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को ठीक से समझ में आई है, इसीलिए वहाँ पर वो समानता रैली कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो लोग यहाँ भी आकर समानता रैली करें। वैसे हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुद्दों का कोई भूगोल नहीं होता। जो देश की बात इधर है, वही देश की बात उधर है। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा, स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। भारत माता की जय।
ऐसी दादी जी को दूर से प्रणाम कीजिए और पास से गुजरिए तो किनारे किनारे से गुजरिएगा, वरना कब दोनों हाथ से चलती हुई लाठी आपके चेहरे का भूगोल जुग्राफिया बिगाड़ दे। वैसे एक बात है, पर्यावरण पर चिंता सरकार से बेहतर कोई नहीं करता है भाषण में, लेकिन भाषण देने में जब सरकार पर्यावरण को लेकर चिंतित होती है तो लगता है इन्हीं भाषणों में सारे पेड़ बच गए हैं, सारी नदियां खिलखिला रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, नेता लोग जैसा कि हमेशा सच बोलते हैं। पर बालाघाट जाएं मध्य प्रदेश के तो पता चलेगा कि इन नेताओं से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से और सच्चाई के साथ नौजवान अपने पेड़ों को बचाने के लिए जितने पेड़ हैं उतनी दूरी की दौड़ लगा रहे हैं, बांसुरी बजाकर अधिकारियों को समझा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं कि भैया ये ऑक्सीजन का स्रोत है पेड़, इसे मत काटो, हमारे जंगलों को काटकर सड़क मत बनाओ। मुंबई में रंगमंच की दुनिया में जाना पहचाना नाम धनेंद्र कांवड़े अपने घर बालाघाट लौट आए हैं, हाथ में बांसुरी लिए लोगों को जंगल बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिम्मेदारी मुझे लगता है बतौर कलाकार ये भविष्य के लिए आज आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। संगीत का और कला का लोगों का संबंध बहुत अटूट रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक बात देख रहा था कि जीवन जीना एक कला है और जो सही तरीके से जीवन जी रहा हो वो कलाकार है, तो हर आदमी अपने आप में कलाकार है, तो ये बात उन लोगों को बहुत आसानी से समझी जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मूलभूत जो हमारी चीज़ें हैं वो है जल, जंगल और ज़मीन, यदि हमारे पास वही है तभी हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। शहर के बीचों बीच इस हरियाली को बालाघाट में बने फॉरेस्ट के रेंजर कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इसके बीच से एक सड़क बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 450 पेड़ काटे जाएंगे। ऐसे में कोई बांसुरी लेकर तो कोई जितने पेड़ कटने हैं उतने किलोमीटर का मैराथन कर, तो कुछ युवा पेंटिंग का सहारा लेकर जंगल को बचाने की अपील में लगे हैं। वहीं अधिकारी कह रहे हैं वन विभाग को दोगुनी ज़मीन पेड़ लगाने के लिए मिलेगी। ये जो पेच है ये काना और पेच के बीच का है, तो इसमें एक तो फॉरेस्ट एरिया है, पहली बात तो फॉरेस्ट एरिया में ये भारी वाहन का यातायात बंद रहना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो शहर से होकर बाईपास निकाला जा रहा है, बाईपास होना चाहिए तो शहर के बाहर से होना चाहिए, और या तो रिंग रोड बनाना चाहिए, शहर के अंदर से बाईपास और अंदर के बस्ती से निकलेगा वो, तो दुर्घटनाओं की संभावना तो और भी बढ़ेगी, साथ ही जो प्रकृति ने जो हमारे बालाघाट शहर को एक अच्छा एक फॉरेस्ट दिया है उसको नुकसान पहुँचेगा। बालाघाट से ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए डेंजर रोड का जो सड़क है जो डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है उसको बाईपास बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, तो इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए PWD ने आवेदन किया था, जिसपे काफ़ी बड़े स्तर पे भी इस पर मंथन हुआ और समितियां बनाई गईं, जिसके आधार पर अंततः यह निश्चय हुआ कि आवेदक संस्था जो PWD है उसको 2.64 हेक्टेयर की वन भूमि दे दी जाएगी, और उसके बदले में 2.64 हेक्टेयर का डबल भूमि हमें मिलेगी, वन विभाग को मिलेगी, जिस पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। कुल 450 वृक्ष ऐसे आ रहे हैं जिनको कि काटे जाना प्रस्तावित है। 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जिससे पता लगा कि उस वक्त प्रदेश के 50 जिलों में से 25 में वन क्षेत्र 2 साल में कम हुआ और 25 में बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जंगल मुख्यमंत्री के गृह ज़िले सीहोर में कटे। यह हाल उस राज्य में है जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। देश में जंगल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी पहले नंबर पर है 77,482 वर्ग किलोमीटर जंगल के साथ। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसका कोई सीधा संबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं और यहाँ कोरोना के मामले सबसे कम। लेकिन मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि जो जंगल हैं वो हमारे फेफड़े हैं, ताज़ी हवा हमारी ढाल, पेड़ बचे तो हम भी बचेंगे।
बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अनुराग द्वारी की हर कहानी या हम सब की कहानियां असफल कहानियों की एक लंबी कभी ना टूटने वाली दास्तान है। दिखाते जाइए होता क्या है, वो पेड़ काटना है तो काटेंगे, लेकिन तस्वीरों में कितना भद्दा लग रहा है कि आप बीच से एक सड़क लिए चले जा रहे हैं इतने खूबसूरत जंगल को काटकर। सड़क कहीं और से भी जा सकती थी। तो यही इतनी सी बात है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।